अब मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ अगले महीने के 20 को है आई थिंक। मैं कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि मैंने आपको बता दूंगा शेड्यूल का दोबारा आने का। वहाँ पे लाहौर में है 20 तारीख को है, इस फरवरी के 20 को है इंशाल्लाह। और उस जो आगे जो है वो पिंडी में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बच्चे आगे लेवल्स करेंगे आप, सही है जी। आगे लेवल करेंगे और आगे लेवल्स को इंशाल्लाह अब करना चाहूंगा आगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आगे लेवल से आप करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि क्योंकि लेवल 1-4 से मामूली बीमारियों का, लेकिन कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी नहीं, आपने देखा है लोगों के एक्सपीरियंसेस को कि उसकी क्रोनिक डिजीज ठीक हुई, यानी लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई थी ना, जो लोग शेयर कर रहे थे, है ना जी। तो इसी तरह आपने किसी का इलाज किया कि नहीं? मैंने किया, दूसरे अपने भाई बहनों पर किया तो उनको फायदा हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। यानी इसका मतलब है आप एक अच्छे हेलर बन गए हैं ना जी। अच्छा, उम्र कितने? मेरी 15 ईयर। 15 जी। बच्चे अभी तो छोटे डॉक्टर है आप, छोटे हिलर है ना, लेकिन बहुत बड़े हो गए आप। अब आप देखे लोग से आपसे हील हो रहे हैं ना, बड़ी बात है। और थोड़ा पढ़े भी इस पे, समझने की भी कोशिश करे, सही है जी। क्योंकि दो दिन में तो हमारे पास एक दो दो तीन तीन घंटे होते हैं, तो उसमें तो क्या इतने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अट्यूनमेंट दे देते और बस आप जाते हैं ना। तो आगे लेवल जब आप करेंगे आपके इलम में भी इजाफा होगा ना। और आगे आप देखिए कि मैं बयान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप देखिए कि बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट, आगे लेवल्स क्या है ये जरूर सुन ले, ठीक है बच्चे? ओके, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह पिंडी में। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लेवल थर्ड, लेवल टू का हमने कह दिया साइकोलॉजिकल डिजीज का, और लेवल थर्ड, लेवल थर्ड आते हैं उसमें यानी नेगेटिविटी, बुराई, बीमारियों में जेलसी, तंग नजरी, हसद, बोस, ऐसे जीन भूत नजरी बद, और जीन भूत चुड़ैल, चुड़ैल से निजात, भूतों से भी निजात, भूत इससे निजात हासिल करने के लिए आप समदा थर्ड को इस्तेमाल करता है। एक मुस्बत एनर्जी हमारे वजूद में, हमारे दुनिया में एक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं जिसकी वजह से चुड़ैलों से और बुतों से निजात हासिल होते हैं। तो बात यह है कि हमें इसका इलाज, नेगेटिविटी के ख्यालात भी पूरी होते, कभी कभी नेगेटिव ख्यालात जो है सोचने का, नेगेटिव जब इंसान सोचते हैं तो उसके वो इर्गिर्द वो एक नेगेटिव एनर्जी आ जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी जो जब आते हैं इंसान को तो वो नेगेटिविटी बन जाते हैं, उसके इर्गिर्द अजीब से एक कैफियत आ जाते हैं और वो जिंदगियां जीरन हो जाते हैं, माली तौर पे भी इंसान डाउन हो जाते हैं और रूहानी तौर पे भी, वो अखलाकी तौर पे भी हर तरह के वो इंसान एक बुराइयों की तरफ जाते हैं उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ। तो इस वजह से इस चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए समदातर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। समदातर्ड असर करते हैं, वाकई करते हैं, लेकिन 100% नहीं। 100% जब आप जाएंगे तो अगले लेवल्स है, जिस तरह समदा 7th है, 8th है, 9th है, 9th सबसे पावरफुल लेवल है जो आप जो लेवल थर्ड की जगह काम करता है, 8th लेवल थर्ड की जगह काम करते हैं कुछ चीज़ों में, एनर्जाइजिंग में, और लेवल थर्ड की जगह 6th भी काम करते हैं, लेवल थर्ड की जगह 5th भी काम करते हैं। ये आगे जो लेवल से दूसरे लेवल्स पे बढ़ जाते हैं पावर बहुत ज़्यादा। तो एक कॉल होल्ड पे है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे लेवल्स मैं आपको बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रही है? जोरा जबीन जी। जोरा जबीन, क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत एनर्जेटिक, पावरफुल, ताकतवर अल्लाह ताला ने पैदा भी किए हैं
और अल्लाह ताला एनर्जी दे रहे, ताकत है दे रहे और आप सुनाए जी। अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, इतना अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट फोर लेवल किए हैं समदार हीलिंग एनर्जी के, माशाल्लाह, और मुझे बहुत ही एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ्रेश जो है ना हर वक्त फील होता है। और मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था ना, तो उसके बाद मैं इतना अपने अंदर जो है ना पॉजिटिव चेंज फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सुबह टाइम में उठ पाती हूँ और नमाज में मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। और इसके अलावा डॉक्टर, मैंने लेवल फोर से डिस्टेंट हीलिंग की है अपने कजन को, उन्हें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था 104 जी, और दो दफा मैंने हीलिंग दी तो उनका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो 3 दिन से मेडिसिन यूज कर रहे थे और फिर भी बुखार था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा मेरी मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, उनका हार्ट बाईपास हुआ है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेडिसिन यूज करती हैं और बहुत ज्यादा मतलब उन्हें थकावट बहुत फील होती रहती है। तो मैंने 2-3 दफा उन्हें भी हीलिंग दी है और उन्हें बहुत ही अच्छा जो है वो फील हुआ है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और आप अपना सुनाए, अपने अपने का इलाज करते अपना अच्छे फीलिंग से। जी जी, मैं खुद को भी रोज जो है वो करती हूँ समता हीलिंग लेवल 1, 2 और 4 से, तो बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। मुझे यही लगता है कि मेरे प्रॉब्लम जो है वो इससे इंशाल्लाह जरूर 100% क्योर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत इंशाल्लाह। और आप हमारे लिए बहुत स्पेशल दुआ दिए दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ताला ने दी है, और बहुत शुक्रिया आप अल्लाह ताला की खास सहमत है और हमें भी इससे जो है ना नवाजते रहे इंशाल्लाह। हम अल्लाह हमारे साथ है, हम साथ हैं, जो करते हैं अल्लाह ताला करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और ठीक है इंशाल्लाह, हम दोबारा आप इंडिया पिंडी से बात कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल जी, जी तो बिल्कुल। आपके नेक्स्ट टूर पिंडी में कब होगा जी? जी पिंडी में इंशाल्लाह डेट मैं इंशाल्लाह अभी अगले प्रोग्राम में मैं ऐलान करूंगा, आपको डेट बता दूंगा, जरूर बताऊंगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अगले लेवल्स पे हम चलते हैं। अगले लेवल्स समुदाय के जो लेवल्स है उस पे हम चलते हैं कि लेवल फोर्थ में डिस्टेंस हीलिंग, दूर से हीलिंग, जिस तरह कॉलर ने अभी कॉल किए थे कि वो मैं दूर से शारजा में का कहाँ पर उनकी कोई है ना, तो उन्होंने यहाँ से इलाज के, इसी तरह इलाज होती है डिस्टेंस हीलिंग का इलाज, जिसे डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, और यानी फासलाती हीलिंग इलाज, यहाँ से दम करते हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला उनको क्योर करता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होते हैं तो आपने क्या करना, समदा लेवल 6 जब आप करेंगे तो 6 के 4th की जगह 6 बहुत ताकतवर है, और फिर 6 जब आप करते हैं तो उसिस के ज़रिए लेवल बहुत ताकतवर लेवल है, जिससे लेवल 3rd लेवल 8 लेवल 7 लेवल 9th ये चीज़ों को भी कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं दूसरे पेशेंट तक कहीं पे भी दुनिया के, और एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है उसमें। तो इस तरह के अगर हम आगे लेवल्स में बढ़ते हैं तो हमारे इस लेवल्स के पर बड़े अच्छे असरात होते हैं, बेहतरीन और बेस्ट असरात आते हैं इस पे। और दूसरी बात ये है कि फिफ्थ बड़ा ज़बरदस्त लेवल है, लेवल 5th जो है ना इंतहाई ताकतवर लेवल है, जो क्रोनिक डिजीज़, जिससे बहुत क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, जो 1, 2, 3 और 4 से नहीं होते उससे करते हैं और वाकई ये असर करता है, ठीक होता है। एक फोन होल्ड पे है, अभी मैं आपसे बात करता रहूँगा इस पे कि आगे लेवल्स क्या है, ये सुनना ये ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह, कौन कहाँ से बात कर रही है? जी मैं नज़र रहमान की बेटी बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो फोन पे इतनी बात नहीं कर सकती ना, तो पता है आपके पास वो कहाँ से बात कर रही?
झेलम से बात कर रहे हैं जी। आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं जी? वही मैं फीलिंग बता रही हूँ जो मेरी अम्मी में मतलब चेंजिंग आई है। माशाल्लाह बिल्कुल आपका बहुत खुश है। वो हार्ट पेशेंट थी, शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ठीक है, वरना मतलब उनका दिल नहीं करता था किसी से बात करने के लिए। बहुत खुश है, नमाज में उनको बहुत मजा आता है और दूसरा बहुत अच्छा वहाँ में भी बहुत खुश है। और आपका हर प्रोग्राम वो इतने शौक से देखती हैं और हर बात को ऐसे अटैच करती हैं। और घर में जो है ना, और हमारे बच्चे जो है ना, वो डॉक्टर आपको अंकल समझ कहते हैं, डॉक्टर समझ नहीं कहते। अच्छा। और सबका इतना दिल करता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएं और उनसे मतलब अपने सर पे हाथ रखवाएं। अभी छोटा बेटा मेरा मोहम्मद सादिक जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल समद कह ले तो अच्छा है। अब्दुल अच्छा, अच्छा, तो अंकल कह रहे हैं ना, बच्चे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो वो उसके दांत में दर्द हुआ था, तो अम्मी ने उसे मतलब हीलिंग किया है, तो उस बच्चे को आराम आ गया। वो कहता है कि अब मैंने दूसरे डॉक्टर के पास मैंने नहीं जाना, कि मैंने डॉक्टर समन के पास ही जाना है। और वैसे भी जो सिस्टर है मेरी, उनके हाथ सुन्न हो जाते थे, बाजू सुन्न हो जाते थे जी, अम्मी ने उन्हें हीलिंग की है, तो शुक्र है अल्लाह का ठीक है। मेरे ये दर्द हो जाता है जी, जी। तो ये कोनियों में, ये उंगलियों में, तो अम्मी मुझे हीलिंग करती है, शुक्र है अल्लाह का बहुत। और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, तो जब से अम्मी ने हीलिंग करना शुरू किया कि बहुत चेंजिंग आई है, मुझ में भी बहुत चेंजिंग आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। दूसरा अम्मी बच्चों का बहुत, अम्मी का दिल करता है कि मैं, अम्मी का बहुत दिल करता है जी जी, मैं अपने बच्चों को मतलब ये उन्होंने मतलब 4 लेवल किया ना, तो वो कह रही है कि मैं अपने बच्चों में से किसी को 8 तक करवाऊं। बहुत उनका जरूर जरूर इंशाल्लाह बच्चों में से। बस आप दुआ करें कि बस अल्लाह हिम्मत दे और आपको सही बात, आप एक बहुत अच्छा वसीला रब ने बना के भेजा आपको। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत ज्यादा घर में बहुत आपका जिक्र होता है और शौक से प्रोग्राम आपका हर प्रोग्राम देखते हैं। जरूर ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, देखे आप चैनल चेंज करते रहे। और दूसरा डॉक्टर साहब एक ये आप, कि आप चैनल चेंज करते रहे, आप देखें कि ये कितना बेस्ट और बेहतरीन प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ सीखते हैं ना इंसान के बारे में, हमारे अपने बारे में कुछ सीखते हैं, कुछ अनसीन पावर जो नजर नहीं आते, अल्लाह ने जो नियामतें पैदा की है उनके बारे में हम कुछ सीखते हैं, और साथ ही आप आगे भी बढ़े, कुछ आगे लेवल्स भी करें ना। वही ना डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि अम्मी पहले बहुत पहले एक दफा गिरी थी, तो उनके इधर बाजू पे लगी थी और वो पूरा एक माह बेड पे रही थी, और अभी अगले दिन वो सीढ़ियों से गिरी है। लेकिन ये समदा हीलिंग की वजह से इतनी उनमें पावर आई है कि शुक्र है अल्लाह का, दर्द होता रहा, लेकिन ये कि बहुत हिम्मत रही है, वरना हार्ट पेशेंट थी जिस तरह वो गिरी थी तो उनको मतलब उनकी कमर पे भी और घुटने पे भी मतलब लगती तो बहुत मतलब होता कि जिस तरह कोई चीज टूट जाती इस तरह हो जाता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमदा हीलिंग की वजह से, सबदा हीलिंग की वजह से उन्होंने बहुत मतलब पावर उनमें आई है और बहुत अपने आप को उन्होंने ठीक और अपने आप को वो मजबूत महसूस करती है। बहुत अच्छा अच्छा, मुझे एक और एक ये बात कहें कि देखे हम अगर इतने मुफीद है, ये इतने फायदेमंद है, आज का मेरा मौजू है कि हम अगर समुदाय के लेवल्स पे ना, कि अगर ये इतने मुफीद है क्यों आप लोग आगे नहीं बढ़ते इसमें जी? वो कह रहे हैं बस थोड़ा मतलब घरेलू कोई थोड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, वैसे उन्होंने 5 और 8 तक उन्होंने। अच्छा एक और बात है कि समझा के, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फीसेस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अच्छा, लेट करने से फीसेस ज्यादा हो जाते हैं। नहीं देखिए रोज बरोज फीस बढ़ रहा है क्योंकि अखराजात ज्यादा हो रहा है, आपको पता है ना, सही बात। तो मजबूर होकर फीसेस जो रिजल साइंसेस की टीम है वो बढ़ा देते, इस दफा थोड़े से फीसेस बढ़ाए हुए थे, तो वो लोग बड़े परेशान थे कि हम पिछला दफा हम बहस कर रहे थे कि कम करो राज, इतने बढ़ गए, तो
वो बात ये है कि आपके लिए ये फायदेमंद होगा कि जितने जल्दी अच्छे काम पे हमेशा जल्दी करने सही चाहिए, बात है, वो जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर। अच्छा काम हमेशा जल्दी, और बुरा बुरे काम पे तहम्मुल, और अच्छा काम पे जल्दी करने चाहिए। जो काम आपके लिए अच्छा है, जो आप समझते हैं कि ये बेहतर है, अच्छा है, आपने खुद आजमाए, आए वहीं पे देखे आपने, और सारे तकरीबन 100-200 लोगों का कमेंट्स भी आपने सुने हैं, और 4-5 साल से आप इस प्रोग्राम में आप सुनते भी आ रहे हैं, तो फिर क्यों एक अच्छे काम पे जल्दी क्यों ना किया जाए और आगे ना बढ़े, मास्टर ना करे इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ मास्टर अभी बन चुके हैं, इंशाल्लाह कुछ मास्टर और बन जाए, ताकि हमारे अगर हम ना हो इस दुनिया में तो वो लोग तो आगे बढ़ा। बहुत से जिनकी डेट ऑफ बहुत ज्यादा